So now we'll understand concept of ohmic material and non-ohmic material. हम ओमिक मटेरियल किसको कहते हैं और नॉन ओमिक मटेरियल किसे कहते हैं. तो जो मटेरियल्स ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उसे हम कहते हैं ओमिक मटेरियल, और जो मटेरियल ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते उसे हम कहते हैं नॉन ओमिक मटेरियल्स. अच्छा, ओम्स लॉ को ओबे करने का मतलब क्या? ओम्स लॉ को ओबे का मतलब करने का मतलब यह है जो उसका ग्राफ बनेगा बराबर आई वर्सेस वी का, वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए. जो ग्राफ बने आई वर्सेस वी का वो ग्राफ क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन. तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स ओमिक मटेरियल, और स्ट्रेट लाइन अगर नहीं है तो वो ओमिक मटेरियल रिप्रेजेंट नहीं करता. स्ट्रेट लाइन ये भी रिप्रेजेंट करता है कि वी वर्सेस आई इज कॉन्स्टेंट, और स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वी वर्सेज आई इज नॉट कॉन्स्टेंट. अगर वो कॉन्स्टेंट नहीं है तो वो नॉन ओमिक मटीरियल का ग्राफ रिप्रेजेंट होता है. अगर हमें ओमिक मटीरियल पर किसी भी पॉइंट पर रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है, ओमिक मटेरियल के ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर अगर हमको रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है तो इस ग्राफ का जो लाइन है उस पर दो पॉइंट चूज कर लो. इसका एक एक्स एक्सिस होगा और इसका एक वाई एक्सिस होगा, उसको हमने एक्स वन वाई वन ले लिया. पॉइंट बी ले लो, उसका एक्स एक्सिस होगा और उसका वाई एक्सिस होगा, तो एक्स टू वाई टू ले लो. और स्लोप निकालना मैंने आपको सिखाया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. स्लोप क्या होता है? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. ये सारे वैल्यूज यहां से लेने हैं, यहां पुट करने, जो आंसर मिलेगा वही आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा. तो एक छोटा सा कंसेप्ट है ओमिक मटेरियल नॉन ओमिक मटेरियल. मटेरियल्स व्हिच ओबेज ओम्स लॉ इज ओमिक मटेरियल, मटेरियल्स व्हिच डू नॉट ओबेज ओम्स लॉ इज नॉन ओमिक मटेरियल.